बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एंड मल्टीटास्किंग अंडर 25,000। वाओ दोस्तों, आप लोग मेरे से अक्सर पूछते हो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 25,000, बेस्ट बजट लैपटॉप अंडर 25,000, बेस्ट लैपटॉप अंडर 25K, बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 25K, बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000। दोस्तों बहुत लोग पूछते हो 25,000 के अंदर हमें एक ऐसा लैपटॉप सजेस्ट करो जिसमें हम गेमिंग के साथ अपने ऑफिस का सारा काम भी कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। जितने भी दोस्तों 25,000 के लैपटॉप आते हैं वो मिनिमम दोस्तों आपको कम स्पेक्स में आते हैं, पर इसमें दोस्तों आपको सारी चीज़ें कर सकती हो। दोस्तों जो भी स्टूडेंट है या जिसका 25,000 का बजट है वो लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं, दोस्तों सोचते तो हैं पर दोस्तों एग्जैक्टली लैपटॉप परचेस नहीं कर पाते क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं रहता हम कौन सा लैपटॉप लें और किस लैपटॉप में दोस्तों हम क्यों अच्छी परफॉर्मेंस हमको और अच्छी स्पेक्स हमको देखने को मिले। दोस्तों बने रहिए आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा लैपटॉप सजेस्ट करूंगा जो मेरे को 25,000 के अंदर काफ़ी पसंद है, जिसमें आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और दोस्तों मिनिमम सेटिंग्स में आप गेम्स को भी खेल सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुगुल परिहार, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुगुल परिहार MGT में। लेके आया हूं बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारा बजट रेंज में एक लैपटॉप आता है जो आता है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो आईपैड S145। बात करेंगे सभी इसके मेन फीचर्स के बारे में वीडियो में आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस में, और परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। जिसमें आपको AMD की तरफ से AMD APU ड्यूल कोर A6 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको DDR4 की 4GB रैम देखने को मिलती है, जिसको आप मैक्सिमम 8GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। साथ में आपको 1TB की आपको HDD आपको देखने को मिलती है। डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का आपको HD+TN की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप में HD क्वालिटी में आप वीडियो चला सकते हो। साथ में आपको विंडोज 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ग्राफिक प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो इस लैपटॉप में आपको AMD की तरफ से AMD Radeon का आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप में HD क्वालिटी में दोस्तों आप वीडियोस को एडिट कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो और फोटो एडिटिंग भी कर सकते हो, और मीडियम सेटिंग्स में आप दोस्तों गेम्स का भी आप मजा ले सकते हो। बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो इस लैपटॉप में आपको 4.5 आवर का आपको बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है, और बैटरी बैकअप आप पे भी डिपेंड है आप लैपटॉप को कितना क्या यूज़ कर रहे हो। अगर आप लैपटॉप गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको काफ़ी कम आपको बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लैपटॉप ओनली सर्फिंग के लिए, ओनली नेट चलाने के लिए, ओनली फोटोशॉप चलाने के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा तक आपको बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मेन बात इस लैपटॉप में आपको बजट रेंज के लैपटॉप में आपको वेब कैमरा भी देखने को मिलता है, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस भी दोस्तों आप अटेंड कर सकते हो। प्राइस को लेकर बात करूँ तो इस लैपटॉप की प्राइस आपको 24,919 इस बजट लैपटॉप की प्राइस है। दूसरे लैपटॉप की प्राइस आपको अराउंड 25,000 के नीचे आपको देखने को मिलती है, जिसकी प्राइस रेंज को देखते हुए काफ़ी अच्छी आपको स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। अगर दोस्तों इस लैपटॉप की मैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इस लैपटॉप में आपको AMD की तरफ से AMD ड्यूल कोर A6 का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, और साथ में आपको DDR4 की 4GB रैम देखने को मिलती है, जिसको आप 8GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, जिससे काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। AMD Radeon का आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जिससे आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, मीडियम सेटिंग्स में आप गेम्स को भी खेल सकते हो। और मेन बात इस बजट लैपटॉप में आपको 1TB की आपको HDD आपको देखने को मिलती है, जिससे आप काफ़ी दोस्तों डाटा भी स्टोर कर सकते हो। इन शॉर्ट दोस्तों आपको 25,000 के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेक्ट के साथ आपको काफ़ी अच्छा आपको लैपटॉप आपको देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इस लैपटॉप से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी क्वेरीज है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आप इस लैपटॉप को परचेस करना चाहते हो या इस लैपटॉप के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो तो इस बजट लैपटॉप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कराया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना डेली ऐसे ही यूनिक्स वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।